थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू एस, कल मैंने ये एग्जांपल लिया था सी एच टू और सी एल, ये कंपाउंड है कोई, और अगर मैंने इसमें डाल दिया एक्वस के ओ एच, इसमें डाला एक्वस के ओ एच, तो क्या होगा इसमें, क्या मिल जाएगा, तो इसमें क्या मिल जाएगा, अगर बहुत सिंपल तरीके से देखें तो सी एल हटके ओएच आ जाएगा, अगर इसको हम बहुत सिंपल तरीके से देखें सी एल हटके ओएच आ जाना चाहिए, लेकिन हाँ आएगा सी एल हटके ओएच, मान लो ये कार्बन 14 वाला है, सपोज ये कार्बन 14 है और ऊपर कार्बन 12 है, सही ना, तो इसमें अगर हम सिंपल देखें तो सी एल हटके ओएच आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए सी एच थ्री सी एच टू एस सी एच टू 14 और OH, ये आंसर आना चाहिए सी एल के OH, लेकिन जब प्रोडक्ट चेक किया गया तो उसमें दो आंसर आए थे, एक तो ये आंसर था और एक साथ में ये भी आंसर आया सी एच थ्री सी एच टू सी एच एस सी एच टू और सी एच टू आया, लेकिन यहाँ पे अब 14 वाला ये यहाँ चला गया था ये यहाँ, तो इस वजह से ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट आया, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके काफी नीट में भी और आईआईटी में भी, तो इसमें कंसेप्ट मगनेस क्या है इसका, मगनेस मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बता दिया था, क्या करेंगे मगनेस के लिए, सी एल हटेगा ओएच आ जाना चाहिए, लेकिन सी एल हटते ही ये एस अपना रोल प्ले देता है, और एस जो जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो प्रेजेंट होना चाहिए थर्ड पोजिशन, 1 2 3rd, थर्ड पोजिशन पे होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एटम, चाहे कोई ऐसा एटम जिसका लोन पेयर है वो भी हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर क्या होता है डबल बॉन्ड, तो एस ले लिया मैंने न्यूक्लियोफिलिक एटम यहाँ पे है थर्ड पोजीशन पे, और ये इस ग्रुप के एंटी होना चाहिए, इस ग्रुप के ऑपोजिट होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पे ग्रुप वेज पे लगा है सीएल तो ये एस जो है वो बैक साइड यानी डैश पे होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है, दो बातें बताइए, दोनों बातें ध्यान रखना, एक तो जो नेबरिंग जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है शुड बी एट द थर्ड और फिफ्थ पोजीशन ऑड पोजीशन पे, दूसरा ये एंटी होना चाहिए लिविंग ग्रुप पे, लिविंग ग्रुप पे ये एंटी होना चाहिए, अब ये सीएल हटा एस ने अपना रोल पे दिया इसको, तो ये सिचुएशन आएगी सी एच थ्री सी एच टू एस सी एच टू सी एच टू और 14 और ये आ गया एस से, ये वाली पोजीशन आ जाएगी, सही ना, ये सिचुएशन आ जाएगी, अब आगे अब ओचाइन से अटैक करेंगे तो क्या होगा, चेक करो पर ओचाइन से अटैक करेंगे तो, अब ओचाइन से अटैक करेंगे तो क्या होगा इसमें, वो चाइन से अटैक करेंगे इसके अंदर, अब देखो जरा अब इसके अंदर वो चाइन से अटैक करेंगे, जब वो चाइन से अटैक करेंगे तो अब ये बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है, यहां से टूटेगा तो ओ चाइन्स इसके पास आएगा, ओ चाइन्स इसके पास आएंगे, यहां से भी टूट सकता है, जब यहां से टूटेगा तो ओ चाइन्स इसके पास आएंगे, तो इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी, एक पॉसिबिलिटी ये जब यहां से टूटेगा तो ये आंसर, और जब यहां से टूटेगा तो आंसर आ जाएगा ये वाला, आगे समझ के नहीं है सर, ये OH माइनस S प्लस में नहीं आ सकते क्या, क्या चीज S प्लस में नहीं आ सकता, OH माइनस आइंस, नहीं नहीं ये तो ऐसा ना, ये देखो आदित्य जब भी आंसर निकालना होता है ना पहले एक्सपेरिमेंट होता है कि ये देखा एक्सपेरिमेंट करके और आंसर आया तुम्हारा ये है ना, अब उसके पास ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसे ही हो रहा है इसके अंदर एस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ले रहा है, और जब यहाँ पे आएगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगी, अगर यहाँ पे भी आ भी जाता तो ये वापस लेगा जब इलेक्ट्रॉन, तो इसको वापस लेने ही पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, इसको वापस इलेक्ट्रॉन लेने ही पड़ेंगे और वो चाइन को ऐसे ही अटैक करना पड़े, सही है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में ध्यान रखना चीज का कि हमेशा ये सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक एटम होता है ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का, सही ना, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, समझ गए कि नहीं, ये चलो अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के एक दो एग्जांपल लिखेंगे, इसके एक दो एग्जांपल लिखेंगे, एग्जाम्पल नोट करना इसका,
ये जो जो पेपर में आए वो एग्जांपल है, मैं वही तुम्हें दे रहा हूँ एग्जांपल करने को। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ये लगा हुआ है, और ये लगाया मैंने CH2 CH2I, ये लगाया और डाला इसके अंदर हमने सपोज CH3COOH डाला है, और ये वाला कार्बन हमारा स्टार वाला है, तो आंसर क्या आएगा? सेम ऐसे ही मैं ले रहा हूं, एक बार इसको भी CH2 से लगा दिया। अब लिविंग ग्रुप लगाया OTS, तो साइलेट आयन लिविंग ग्रुप है, और इसमें डाला मैंने एक्वस KSH, ये स्टार वाला है, तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों केसेस में आंसर का निकालिए आंसर। निकाला किसी ने आंसर इसका? बाजल
वेदांत चलो देखेंगे फिर एक बार ध्यान से ना इधर को आंसर कैसे निकलेगा इसमें देखो एक बार आई पे आ जाएगा ओ सी ओ सी एस थ्री इस आई पे आ जाएगा न्यूक्लोफाइल ओ सी ओ सी एस थ्री या ओ ए सी मान बोल लो एक बार इस वाले पे आए एक बार इस वाले पे आए और कैसे आएगा सेम वही तरीका है लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है वन पे टू पे और थ्री पे है न्यूक्लोफिलिक एटम पाई बॉन्ड न्यूक्लोफिलिक एटम पाई बॉन्ड प्रेजेंट है थ्री पे तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा ध्यान देंगे आई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा आई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इमीडिएटली थर्ड पे जो लिविंग ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा ये चीज हो जाएगी देखो ये सिचुएशन आएगी ये वाली सिचुएशन आएगी अभी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इस तरीके से ये बॉन्ड यहां प्लस और ये CH2 ये CH2 स्टार वाला और ये बॉन्ड कोई डाउट तो नहीं है किसी को सर CH2 CH2 का बॉन्ड ही टूटेगा वो क्यों टूटेगा आई इलेक्ट्रॉन लेके गया न्यूक्लियोफिलिक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बन गया इमीडिएटली इस न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ये न्यूक्लियोफाइल क्या है CH3COO नेगेटिव H प्लस यानी इस नेगेटिव के आने से पहले अब अगले स्टेप में क्या होगा अब अगले स्टेप में या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा देखेंगे या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा और इधर अटैक करेगा OCOCH3OAC कह लो या फिर बॉन्ड यहां से टूटेगा और इधर अटैक करेगा OAC नेगेटिव जो है OAC नेगेटिव यानी ये वाला न्यूक्लियोफाइल OAC नेगेटिव आया समझ के नहीं है इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी आंसर की यानी आंसर तुम्हारा ये भी आएगा रिंग बन गई कंप्लीटली CH2 CH2 OAC एक बार स्टार यहां पे और प्लस CH2 CH2 OAC और एक बार स्टार यहां पे आया समझ के नहीं ये सर बॉन्ड क्यों टूटा वैसे कार्बन क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन आदित्य अगर तू घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना तो ये फिर ऐसे ही वाले फालतू के क्वेश्चन चलेंगे सारे अब बोल तेरा क्वेश्चन क्या मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा बॉन्ड कह रहा है ये जो आपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा है वो क्यों करा है सर ये इधर वाले की बात कर रहा है यस सर इधर की बात कर रहा है ना इधर देख यहाँ पे एरोमेटाइजेशन कंप्लीट करना है कि नहीं करना रिंग को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या नो सर तो एरोमेटाइजेशन तो करना ही करना है और स्टेबिलिटी के लिए भी प्लस चार्ज है हाईली अनस्टेबल है इसलिए ऐसा करेंगे ही करेंगे समझिए कि नहीं यस सर आगे तो इसलिए करेंगे ही करेंगे ये चीज तो ये तो हमने ना आदित्य ये सोचा कर प्रोडक्ट बन गया है आंसर इसके ये दो आ रहे हैं ये दोनों आंसर कैसे कौन से मैकेनिज्म के थ्रू आए होंगे वो सोच और जब तू मैकेनिज्म की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेगा ना तो तू आंसर भी खुद निकाल लेगा लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख के ये दो आंसर समझ आ गए कि नहीं यस सर अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद निकालो जल्दी नेक्स्ट उसमें लिविंग ग्रुप है हमारा टोसाइलेट आयन OTS नेगेटिव है लिविंग ग्रुप इसमें आंसर निकालो क्या आएगा इसमें निकालो आंसर क्या आएगा जल्दी से
हाँ निकाल लिया आंसर इसका। एक बार हैंड से करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया जल्दी से। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। मुकुल, काजल, सिद्धि, छवि, नित्या, आदित्य, और किसने निकाला आंसर इसका देखेंगे फिर। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, देखो सेम क्वेश्चन दिया बिल्कुल एकदम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें OAC था, OAC नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इसमें SH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इसमें SH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, OTS नेगेटिव, सबको पता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, OTS नेगेटिव बाहर हो रहा है, इमीडिएटली ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और बनेगा इंटरमीडिएट पहले प्लस और ये CH2। मैं एग्जैक्टली सेम बना रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट ट्रायंगल बना सकता था, ये बोलता ये बन गया सीधा, ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बन गया और ये चीज आ जाएगी। और अगले स्टेप में क्या करना है तुम्हें, रिंग को कम्प्लीट करना है, रिंग को कम्प्लीट करना है। अब SH नेगेटिव एक्वस के OSH है ना या डायलूट के SH है, तो SH नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन देंगे वापस। अभी क्या हुआ, और ये जो कार्बोकैटायन बना है इस केस में तो क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है, पीछे जो दो केसेस बने थे हमने, पीछे दो उसमें एस पे प्लस था, एस पे प्लस था और CH2 कुछ ऐसे था, शायद ऐसे आया था ना, जिसमें हेट्रो एटम आता है और प्लस चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये NCC है, ये याद ना, NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और ये जो बन रहा है इसे बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। और ये भी हुई है रिएक्शन, यहां तक जो स्टेप हुआ है इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ यहां तक। तो अब SH नेगेटिव आयन से अटैक करेंगे, अब ये रिंग यहां से भी टूटता बॉन्ड, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो SH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यानी स्टार वाले पे SH आएगा, और अगर बॉन्ड यहां से टूटेगा तो SH नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव अटैक करेगा, यानी विदाउट स्टार वाले पे SH आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज आंसर की, एक बार रिंग लग के आएगा आंसर ये SH स्टार वाले पे, और दूसरा आंसर विदाउट स्टार वाले पे। स्टार वाला यहाँ आ जाएगा, एक बार हैंड से करेंगे जिसको आप समझ आ गया ढंग से, दो एग्जांपल जानबूझ के लिए हैं ताकि समझ आ जाए ढंग से। आदित्य, मुकुल, वेदांत, मल्लिका, छवि, कशिश, युविका, बॉबी, सोनिया, रितिका, निकिता, सिद्धि, आर्यमन, कनिष्क, प्रथम, बिंदिया, विधि, ऋषि, कृष्णा, उज्जवल, अर्णव, निशि, नित्या, हर्षित, देवांशी को समझ आ गया, काजल, चलो ये सबको समझ आ गया फिर। तो ये था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के दो बेस्ट एग्जांपल से जो लिए यहाँ पे। अच्छी बुक्स करोगे तो उसमें क्वेश्चन दिखेंगे इसके, सही ना, उसमें क्वेश्चन दिखेंगे। नेक्स्ट नोट करना है। अब दो एग्जांपल तुम्हें ट्राई करने हैं, देखते हैं तुम सोच पाते हो कि नहीं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एक ये क्वेश्चन है, यहां लगा हुआ है Cl, यहां लगा हुआ है SME और इसमें डाला मैंने O चाइल्स, एक्वस NaOH डाला है, या एक्वस KOH ले लो, एक्वस KOH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा और NGP लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन Cl है, SME है, एक्वस KOH डाला है, तो मैं बताना इसमें NGP लगेगा कि नहीं लगेगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगर लगेगा बताओ आंसर। आदित्य, यस सर, म्यूट कर ले बस।
हाँ कर लिया ट्राई। वेदांत, उज्जवल, देखो सर किसी को आंसर बोलना है इसका। फर्स्ट केस में चलो बताओ एनजीपी लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। फर्स्ट केस में कोई एनजीपी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों सेम साइड है, दोनों ऊपर की तरफ है, हमारी तरफ आते हुए दोनों ही, नो एनजीपी। हाँ सही है नित्य। अच्छा ये एनजीपी इसमें लगेगा नहीं, और इसके बाद अगर मान लो रिएक्शन करवानी है तो सीएल की जगह ओएच लगा देना, बस सीएल की जगह ओएच लगा देना डैश पे, एसएन2 रिएक्शन से आंसर आ जाएगा, एसएन2 रिएक्शन से आंसर आ जाएगा। सही है, नो एनजीपी बट इन दिस केस। इस केस में अगले में देखो सीएल तुम्हारी तरफ आता हुआ है, ये तुम्हारी तरफ आता हुआ है, एसएमई बैक साइड पे है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये नीचे की तरफ है, इसलिए सीएल हटेगा, सीएल हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एसएमई अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये एक बनेगा यहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इस तरीके से, एस प्लस एमई, ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लियर, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन जाएगा ये। अब इसमें क्लीवेज दोनों साइड से हो सकता है, क्लीवेज यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, देखेंगे आंसर क्या क्या आएगा। अगर इस साइड से क्लीवेज हुआ, इस साइड से क्लीवेज हुआ तो वो चाइन्स इधर अटैक करेंगे, ये आ गया वो चाइन्स। इस साइड से क्लीवेज हुआ तो वो चाइन्स नीचे की तरफ था, ऊपर से अटैक करेंगे वो चाइन्स, सही ना, वो चाइन्स कहां से अटैक करेंगे, ऊपर से, ये आएगा आंसर R, और ये ऐसे ही रहेगा SME। और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन ले गया तब फिर वो चाइन्स इधर अटैक करेंगे, ऊपर से अटैक करेंगे, तो आंसर आएगा यहां आ जाएगा OH
और एस एम ई इधर आएगा, एस एम ई इधर आएगा, यहाँ पे ओच आएगा, यहाँ ओच आएगा, यहाँ पे एस एम ई आएगा, एस एम ई, ये ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, एस एम ई आएगा इधर, मैं लिख देता हूँ दोबारा, एस एम ई, एस एम ई आएगा इधर डैश पे, तो ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों क्या होंगे, तुम्हें निकालना सिखाया हुआ है, ये दोनों क्या होंगे, एनेंशियोमर्स हैं कि डायस्टीरोमर्स हैं, मिरर इमेजेस होंगे ये दोनों, और इन्हें बोलेंगे एनेंशियोमर्स, निकाल के देखना, ये दोनों मिरर इमेजेस आएंगे, एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेगा, ये दोनों एनेंशियोमर्स है। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, किसी को डाउट है दोबारा पूछ सकते हो। यस सर, एक बार दोबारा बता दो सर। एक बार क्लीवेज यहां से होगा बनने के बाद, ये नॉन क्लासिकल कार्बोटेन बना, जब क्लीवेज यहां से होगा नीचे से एस एम ई हट रहा है तो ऊपर से अटैक करेगा वो चांस, इसलिए ऊपर पे आ गया, और एक बार जब यहां से बॉन्ड टूटेगा, नीचे से बॉन्ड टूटा है ऊपर से अटैक करेगा वो चांस, तो ऊपर वो अच्छी आ गया, एस एम ई तो नीचे ही रहेगा हमेशा, समझ आ गया सर। और ये दोनों क्या आएंगी, मिरर इमेजेस आएंगी, ये दोनों मिरर इमेजेस आएंगी, देखना है तो इसको चाहो तो तुम 180 से घुमा दो, स्टीयरिंग रोटेशन दे दो, अपने आप दिख जाएगा तुम। चलो नेक्स्ट अब है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, जो आईआईटी के अंदर पूछा हुआ, जो आईआईटी एग्जाम में पूछा हुआ है वो एग्जांपल करेंगे। देखो क्वेश्चन है, ये था आर टू ब्रोमो प्रोपेनोइट आयन, आर टू ब्रोमो प्रोपेनोइट आयन इस टाइप से, ये बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव BRH, ये देखो 1 देंगे BR को, 2 देंगे COO नेगेटिव को, 3 इसको देंगे, S की तरफ जा रहे हैं, H हॉरिजॉन्टल पे है तो उल्टा आंसर हो जाएगा, ध्यान है ना, एटॉमिक नंबर देखकर मैंने प्रायोरिटी दी, BR का 1 देंगे प्रायोरिटी, C के साथ O है तो 2 देंगे इसको प्रायोरिटी, नीचे C के साथ H है तो 3 प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 अगर हम घूमें तो हम घूम रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे होती है, ये हॉरिजॉन्टल पे है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर, तो ये है आर टू ब्रोमो प्रोपेनोइड आयन, कोई डाउट तो नहीं किसी को, दिस इज आर टू ब्रोमो प्रोपेनोइड आयन, ये चीज है, इसमें डाला मैंने एक बार, चलो दोनों ले लेता हूं मैं केस, आईआईटी वाला केस भी और अलग से भी, कंसंट्रेटेड ओ चायंस, कंसंट्रेटेड ओ चायंस मींस 4 मोलर या 5 मोलर, 4 मोलर या 5 मोलर, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक बार ये आईआईटी का क्वेश्चन जो अगला दे रहा हूं मैं, डायल्यूट ओ चायंस डाला, डायल्यूट ओ चायंस साथ में AgNO3 कह लो या Ag+ आयंस, AgNO3 या Ag+ आयंस, तो इसमें से किसमें कौन सा, जैसे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बी में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट यानी जैसे इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, रेसिमाइजेशन होगा, ये इनमें से तुम्हें बताना कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, सोच के देना आंसर, कंसंट्रेटेड ओ चायंस है यहाँ पे और नीचे Ag+ और डायल्यूट ओ चायंस, तो ये खुद सोचना, जब कंसंट्रेटेड ओ चायंस है तो इसमें तो सिंपल SN2 मंगाने लगेगा और इन्वर्जन हो जाएगा, इसमें इन्वर्जन हो जाएगा, क्या इसमें भी इन्वर्जन होगा, रेसिमाइजेशन होगा, क्या होगा ये बता रहा हूं मैं, बी में, इसमें तो सिंपल आंसर आ जाएगा, ये बी आर हटा क्योंकि ओ चायंस बहुत ज्यादा है इसलिए अटैक हो जाएगा बैक साइड से और आंसर आ जाएगा हमारा ओ चायंस पीछे, एच यहाँ पे, CO नेगेटिव ऊपर और CH3 नीचे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ जाएगा SN2 मंगाने से, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ जाएगा SN2 से, ये वाला इजी पार्ट था, ये निकालना तुम्हें, डायल्यूट ओ चायंस डाले तो क्या होगा, डायल्यूट ओ चायंस निकालो जल्दी से इसका आंसर, देखो एक बार देख लो आंसर इसका, बोलना किसी को आंसर,
डाइल्यूट ओ चार्ज डालें तो क्या होगा? सिद्धि ने आंसर दे दिया, चलो अभी देखते हैं, एक बार रिज्वाइन करेंगे, मैं आंसर दे रहा हूँ उसका।